एबर्सफोर्ड के नज़ारे काफ़ी ब्यूटीफुल सीन है। और यहाँ पर सामने जो हाउसेज हैं, वे विश कि हम यहाँ पर कभी हाउस लेंगे। आई एम गोइंग टू गो प्रैंक मॉम। Hello everyone! Welcome to our channel, Canada Positive! So, today we're gonna explore Abbotsford! तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एबर्सफोर्ड, विच इज़ अ सिटी इन वैंकूवर एरिया। और वैंकूवर से सिर्फ 80 किलोमीटर्स है। इट टेक्स यू अराउंड 45 टू 1 आवर ड्राइव। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी इन द माउंटेन्स। सो लेट्स डू इट। University of Fraser Valley, जो Abbotsford में है। आना चाहते हो डाटा को क्या बनना चाहिए? I want to do Masters of Law. Oh, so, ये University of Fraser Valley का Clearbrook Center है और इसके surrounding में बहुत सारे apartments और houses हैं। Is in central Abbotsford, very close to downtown और easy proximity है, कहीं पे भी जाना और कहीं पे भी आना हो। One more, dede. I have much more peanuts. Yeah, he is feeding squirrels today. और उसके पास एक peanut बच गई है। So ये थी Abbotsford Law Course और इसकी road cross करते ही बहुत beautiful apartments हैं। और एक ये भी अपार्टमेंट्स हैं, ये डाउनटाउन Abbotsford है। दिस इज रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो अब है समोसा टाइम। रेनी तो नेहा को लग रही थी भूख, तो अब हम आए हैं सीडर प्लेस Abbotsford में और दोनों गए अंदर समोसे लेने। तो Abbotsford में रहने का गाइस ये फायदा है कि यहाँ पे सभी तरह के आपको इंडियन स्टोर्स मिल जाते हैं। आपको कुछ भी चाहिए, सुई से लेके कुछ भी एक चीज, तो सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे है सीडर पार्क, चार्ट हाउस, देर इज अ मीट शॉप, और मेरे सामने है मोना अप्लायंसेस, देर इज वकील एंड नोटरी परमिंदर सिंह जी, कालों ला ऑफिस। तो एवरीथिंग इज देयर। देयर इज अ फर्नीचर स्टोर एज वेल। तो आपको पूरी इंडिया वाली फील आती है। हाँ जी, क्या लाए? समोसा, चटनी, चटनी, उन लोगों की चटनी, चटनी है। यू वांट चटनी? यस, आई वांट चटनी। टुडे वी ब्रॉट प्लेट्स एज वेल, बिकॉज़ रेनित कहता प्लेट में बैठे खाऊंगा। प्लेट में बैठे खाएगा? या नेक्स्ट लोकेशन आपको दिखाने, जो कि है हमारी ग्रोसरी शॉपिंग्स। और हम आए हैं अब फ्रेशको, बताएगी आपको नेहा। हाँ जी, ये है चलो फ्रेशको, जहाँ पर ये कंप्लीट स्टोर है, जहाँ पर आपकी इंडियन ग्रोसरी से लेके एवरीथिंग मिलती है। तो ये वन ऑफ द स्टोर है जहाँ पर हम ग्रोसरी करते हैं। और ऑप्शंस कौन सी हैं? वॉलमार्ट है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो एम्पल ऑप्शंस है, या कैनेडियन सुपर स्टोर भी है। तो अब हम आए अपने फेवरेट स्टोर में आपको दिखाने कि वो भी है यहाँ Abbotsford में, विच इज कॉस्को। और इसके जो पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, दैट लीड्स टू यूएस और कनाडा यूएस बॉर्डर, जो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स का वे है। एंड यू कैन गो टू यूएस इफ यू हैव वीजा, इफ बॉर्डर्स आर ओपन। और अभी जो पीछे आप देख रहे हैं, दैट्स सुमस वे माउंटेन। एंड ये जो है सारे ब्लूबेरी और ब्लूबेरी फार्म्स हैं। एंड देयर इज अ यू पिक फार्म एज वेल, वेयर यू कैन गो एंड पिक ब्लूबेरीज योरसेल्फ। कॉस्को में सारा होलसेल स्टोर है ये, तो वहाँ पर सारा जो स्टफ है वो होलसेल में मिलता है। तो कभी हम दिखाएंगे ये स्टोर भी आपको अपने ब्लॉग्स में, बिकॉज ये बहुत फेमस स्टोर है, कैनेडियन फेमस स्टोर है। सारे यूएस के प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पे। और थोक में जो कहते हैं ना, थोक में सामान मिलता है वो मिलता है यहाँ पर। और मेरा फेवरेट स्टोर है, बिकॉज यहाँ बहुत बड़ा स्टोर है और यहाँ पर आप सामान लेने आओ तो जो भी कैनेडियंस हमें देख रहे हैं उन्हें पता है कि कभी भी आप $200 या $300 से कम नहीं लगाते हैं यहाँ पे। Sometimes $500. Sometimes $500. और ये पेन है, ग्रोसरी स्टफ। और वो तो Abbotsford में कई गुरुद्वारा साहब हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम, कलगीधर गुरुद्वारा साहब। और ये कम्युनिटी जो है, ये है ब्लू रिज कम्युनिटी। यहाँ पे सारे इंडियंस, पाकिस्तानीज और साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों का होल्ड है। इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी। और अब हम चलते हैं अंदर, आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गुरुद्वारा साहब के बाद अब आए हम हिंदू मंदिर इन Abbotsford। इट इज़ ब्यूटीफुल टेम्पल। ये Abbotsford की इको डेयरी है, जहाँ पे यू पिक आइसक्रीम, एनिमल्स, टूर्स, मार्केट फार्म, पिकनिक, सब कुछ है यहाँ पे। देयर वर सो मेनी एनिमल्स, देयर वाज अ पिग,
गोट्स गोट्स यहाँ पे इनसाइड एक फैमिली पिकनिक होता है, जैसे कि वहाँ पे एनिमल्स दिखाते हैं, उनकी डेयरी कैसे होती है और वो कैसे वहाँ पर उनको रखते हैं, सारा सारा कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसकी $10 टिकट्स है अंदर जाने के लिए। यहाँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है और यहाँ पर सामने जो हाउसेज हैं, वी विश कि हम यहाँ पर कभी हाउस लेंगे क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल हाउसेज हैं और इसका जो व्यू है वो बहुत सुंदर है, बहुत मजा आता है यहाँ पर आके। तो अब हम ग्लैडविन रोड और साउथ फ्रेजर वे पे, ये एक बैंक स्क्वायर है, यहाँ पे सभी बैंक्स हैं। यू कैन सी स्कॉशिया बैंक ओवर देयर, टीडी बैंक ओवर हियर, और यहाँ पे एक स्टोर भी है चाय वाला ऑफ लंडन, इट्स अ ग्रेट स्टोर। उसके साथ यहाँ काफ़ी अच्छा प्लाजा है ये। एंड अगर हम ऑपोजिट साइड में देखें तो यहाँ पे एक सेवन ओक्स मॉल भी है। दिस इज़ अ सेंट्रल एबर्सफोर्ड और ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रेनीत की एक और फेवरेट जगह भी है जो रेनीत आपको दिखाना चाहता है। मेरी फेवरेट जगह है मार्शमैलो टॉयज। और यहाँ पे रेनीत का फेवरेट रेस्टोरेंट भी है टिम हॉर्टन्स। एंड लुक एट देयर बेस्ट बाय, लुक वेयर राइट देयर इट सेज बेस्ट बाय। ओह रियली, आई एम गोना गो प्रैंक मॉम। Trick failed. I made an anaconda. Oh, anaconda with hands. Goo. Nice. So now we are entering High Street Mall. और यहाँ पर Walmart भी है. So आप grocery shopping भी कर सकते हैं. और ओवरऑल फैमिली पैकेज है, सिनेप्लेक्स भी है। एंड यू कैन, देयर इज अ स्टोर पेट्स मार्ट, यू कैन बाय पेट्स फ्रॉम देयर। मॉल है ये बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट पे है बिकॉज ऊपर यहाँ पे सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल व्यू है एबर्सफोर्ड में। और इसके नीचे जो है वॉलमार्ट स्टोर है, अगर आप ग्रॉसरी करना है तो आप नीचे पार्क करके ग्रॉसरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले एरिया भी है, किड्स आर प्ले। तो यहाँ पे सेक्टर 17 के नज़ारे दिख रहे हैं। ओपन कॉन्सेप्ट सेम है सेक्टर 17 चंडीगढ़। तो मैं हर ब्लॉग में चंडीगढ़ को एक बार याद कर लेती हूँ। हम दोनों याद बहुत करते हैं चंडीगढ़ को, बट ये है कि यहाँ एबर्सफोर्ड में याद नहीं आती है अपने नेटिव कंट्रीज की, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, सारा कल्चर है आपके पास। यहाँ पे कई गुरुद्वारे हैं, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे इवन मॉस्क है, एंड देयर इज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट टेम्पल हियर एज वेल। एंड मोरओवर इट्स ऑल्सो वेल कनेक्टेड टू वैंकूवर। अगर आप वैंकूवर जॉब करते हैं, इफ़ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, इफ़ यू हैव अ कार, देन यस आप यहाँ से अपने ड्राइव कर सकते हैं। अभी प्रेजेंटली देयर इज नो स्काई ट्रेन फ्रॉम एबर्सफोर्ड टू वैंकूवर। अभी वैंकूवर से सिर्फ लैंग तक अनाउंस हुई है, बट करंटली इट्स स्टिल ओनली टिल सरी आई बिलीव। यस इट्स टिल सरी, बट यस यहां पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसी सिस्टम है, वो काफी अच्छी तरह कनेक्टेड है वैंकूवर एंड सरी एंड अदर सिटीज एज वेल। तो आज हमने ट्राई किया कि हमने एबर्सफोर्ड मोस्टली आपके लिए कवर किया। अगर आप रहने का यहाँ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कुछ है और आप क्या कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बाकी ये वैंकूवर के बहुत पास है, इट्स नॉट टू फार। और एबर्सफोर्ड के जो क्लोजेस्ट सिटी है वो है मिशन, इट्स जस्ट 15 मिनट ड्राइव। देन यू कैन गो टू चिलावैक, इट्स ऑल्सो 20 to 30 मिनट ड्राइव। देन अगर आप पीछे जाएँ वैंकूवर की तरफ, देन यू कैन सी लैंगले, सरी एंड अदर सिटीज़ एज वेल। तो ये थे एबर्सफोर्ड के नज़ारे और ये था एबर्सफोर्ड का बहुत ही अच्छा व्लॉग। सो हमें नहीं पता, हमने मे भी कुछ ना कुछ प्लेसेस मिस कर दी होंगी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ स्पेशल मेमोरीज हैं आपकी तो प्लीज़ शेयर विद अस टू। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, और हम ट्राई करने वाले हैं कि अगर हम सिनेप्लेक्स के अंदर घुस पाएँ किसी तरीके से, तो दैट विल बी ऑसम। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय।